और प्रश्नों पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं और इनको हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक और प्रश्न हमारे समक्ष है, केसीएल के विलयन में इसके 7.45 ग्राम प्रति लीटर उपस्थित है, 7.45 ग्राम प्रति लीटर विलयन का 300 केल्विन ये टेम्परेचर दिया गया, ये विलयन की मात्रा दी गई है, पराश्रय दाब ये एटमोस्फियर सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है, केसीएल के वांट ऑफ गुणांक आई की वैल्यू निकालना है और वियोजन की मात्रा की गणना करना है। अब जरा देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए केसीएल की बात हो रही बेटा, इसमें क्या क्या दिया गया है, स्मॉल डब्ल्यू बराबर 7.45 ग्राम, ये स्मॉल डब्ल्यू प्रति लीटर है, वी बराबर 1 लीटर है, दूसरा काम क्लियर हो गया। अब केसीएल का एम अणुभार केसीएल के लिए क्या हो जाएगा, पोटेशियम 39 और क्लोरीन 35.5 बराबर हो जाएगा 74.5, ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया केसीएल का, केसीएल का मॉलिक्यूलर वेट हो गया। चलिए पराशर दाब और ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है 4.68 atm, हमें निकालना क्या है, हमें आई का मान निकालना है, हमें और क्या मान निकालना है, अल्फा का मान निकालना है। तो पहले हम पराशर दाब से आई का मान निकाल रहे हैं, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन एम वी एस टी इंटू आई, वन डा फैक्टर की सहायता लेकर, तो पराशर दाब हमें पता है आई निकालना है, तो बेटे आई बराबर हो जाएगा पी एम बी अपॉन डब्ल्यू एस टी। पराशर दाब कितना है 4.68, अणुभार कितना है 74.5, आयतन कितना है वो कह रहा है 1 लीटर, 1 रख देंगे, स्मॉल डब्ल्यू 7.45, एस 0.0821, एस का मान 0.0821 लीटर, वायुमंडल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये एस का मान है, सॉल्यूशन कांस्टेंट का मान है, बार बार आपको आवश्यकता पड़ेगी इसकी, इसलिए हम लोग पहले से याद रखते हैं, ठीक है। चल अब ये आई का मान निकल के बाहर निकल के सामने आ, यहां से आई का मान निकल के बाहर, टेम्परेचर अभी नहीं रखा गया है, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया गया है, हमने यहां दिखा दी है टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है, अब हम इसको टेम्परेचर भी यहां एंट्री कर देते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इससे ये कट जाएगा 10 बार कट जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन पर आएगा 4.68 और नीचे आ जाएगा 2.4630, ये आई का मान कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, फाइनली आई का मान आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 4.68 को 2.4630 से, तो आ जाएगा 1.90, ये आई का मान आ गया, वन हाफ गुणांक का मान आ गया इस विलयन के लिए। अब हमें इसमें वांडा गुणांक के मान के साथ एल्फा की मात्रा भी निकालनी थी, वियोजन की मात्रा भी निकालनी थी, तो वियोजन की मात्रा जिसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कैलकुलेशन एल्फा इज इक्वल टू i-1 n-1, आप लोग समझ लीजिए यहां i क्या होता है, आई होता है वन टॉप फैक्टर का रियल मान, एन होता है वन टॉप फैक्टर का चरम मान,
यहां लिख सकते हैं I बराबर वन हाफ फैक्टर रियल वास्तविक मान, और n होता है फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वन हाफ फैक्टर अब हम लोग रखेंगे केसीएल के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। केसीएल के लिए मैक्सिमम वैल्यू के प्लस सीएल माइनस, और एन का मान केसीएल के लिए अधिकतम कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब वियोजन की मात्रा एल्फा निकालेंगे। एल्फा बराबर आई का मान 1.9 है, -1 2 -1 एल्फा का मान हो जाएगा 0.9 नीचे 1। एल्फा मतलब हो जाएगा, एल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.9, और 0.9 ये एल्फा एक में कैलकुलेट किया जाता है, इसको हम लिखेंगे 90%। ये 90% क्यों कह रहा है कि वियोजन की मात्रा एक के सापेक्ष निकाली जाती है। एक में 0.9 का वियोजन हो रहा है, इसका मतलब अगर उसे परसेंटेज में व्यक्त करेंगे तो 90% हो जाएगा। और ये बेटे इसका हल हो गया, इसको आप लोग आंसर कहेंगे। ठीक है, ये अल्फा इन वियोजन की मात्रा हो गई, ये वन हाफ फैक्टर की वैल्यू आ गई, और वन हाफ फैक्टर को कैलकुलेट करके हम लोग अल्फा इन वियोजन की मात्रा को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं हम। अभी एक प्रश्न को हल करने के बाद अगले प्रश्न पर देखते हैं। दिया है 27 डिग्री सी पर BaCl2 के देसी नॉर्मल, यानी नॉर्मलता n अपॉन n है, देसी नॉर्मल विलयन की वियोजन की मात्रा 80% है। इस विलयन का यानी इसका पराशन दाब ज्ञात कीजिए, और इसका हमें पराशन दाब ज्ञात करना है। 27 डिग्री सी है और वियोजन की मात्रा 80% है, हम इस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करेंगे। चलिए अब हम कुछ चीजें नोट करते हैं कि टेम्परेचर दिया गया है 27 डिग्री सी, इसमें 273 बदल करके इसको केल्विन में बदल देंगे, 273 जोड़ करके। बेटा नॉर्मलता दी गई है n=1/10, ये नॉर्मलिटी दी गई है, हालांकि हमें मोलरिटी की आवश्यकता होती है, तो इसको हम लोग बदल देंगे n/m बराबर संयोजकता। यहां BaCl2 में बेरियम आयन की जो वैलेंसी क्रिएट होती है वो 2 होती है, वो यहां रख देंगे। ठीक है, हम लोग नॉर्मलिटी दी गई है, नॉर्मलिटी है 1/10, मोलरिटी हमें फाइंड आउट करनी है, वैलेंसी 2 है। ठीक है, तो m=1/10 हो जाएगा 1/10/2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/20 हो जाएगा सीधा, यानी m=1/20, ये मोलरिटी में कन्वर्ट कर दिया हमने नॉर्मल। एल्फा का मान दिया गया है 80%, ये एल्फा दिया गया है, 80% का मतलब हो जाएगा 0.8। जैसा कि अभी हमने पिछले प्रश्न में ये देखा था कि अगर 0.9 था तो हमने 90% अल्फा की वियोजन की मात्रा होनी थी, या 80% है तो अल्फा की वैल्यू रियल क्या हो जाएगी 8%। अब बेटे हमें पराशर दाब ज्ञात करना है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि BaCl2 एक इलेक्ट्रोलाइट है, टूटता है, बेरियम डबल प्लस बनता है, Cl माइनस बनता है, इसके लिए जो n का मान होगा वो n का मान 3 होगा। ठीक है, एल्फा पता है, एन का मान पता है, आई का मान पता नहीं है। ध्यान रखेंगे हमें एल्फा दिया गया है, एन का मान हमने फॉर्मूले से पता कर लिया, आई का मान हमें पता कर लिया। अब एल्फा बराबर फॉर्मूला होता है i-1 n-1, सॉल्व करेंगे, आई की वैल्यू आपको पता करनी है। ठीक है, एल्फा का मान आपको पता है 0.8 है,
अल्फा का मान 0.8 रख दीजिए, आई माइनस वन, एन का मान कितना है 3 माइनस 1, सॉल्व करेंगे तो 0.8 इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन 2, आई माइनस वन इज इक्वल टू 1.8, आई इज इक्वल टू माइनस वन, ट्रांसफर होकर हो जाएगा 1.6 प्लस 1 हो जाएगा 2.6 हो जाएगा। ये आई का मान आ गया, इधर हम लिख सकते हैं आई की वैल्यू आ गई 2.6। ये वन का फैक्टर आ गया BaCl2 के लिए, आई की वैल्यू 2.6 आ गई। चलिए अब हम पराश्रम दाब ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। पराश्रम दाब P बराबर होता है C Ast × I, ठीक है। P बराबर C का मान हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, नॉर्मलिटी में दिया हुआ था, नॉर्मलिटी को प्रोसीजर से हमने मोलरिटी में कन्वर्ट कर लिया, 1/20 हो गया। एस का मान 0.0821 होता है, हमने आपको बताया कंप्लीट मान इसका यही होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। चाहो तो आप कहीं भी इसको नोट कर सकते हैं, एस की वैल्यू 0.0821 लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, टी टेम्परेचर, एस सी का मान फिट कर दिया, एस का मान रख दिया है, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 300 केल्विन हो गया है, 300 केल्विन रख देंगे, आई का मान कितना आ गया 2.6 आ गया, आई का मान 2.6 रख देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये कट जाएगा 15 बार और P बराबर आ जाएगा 0.0821 × 15 × 2.6। अब ये पराश्रम दाब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये कितना आता है, ये पराश्रम दाब होगा। चलिए इसको सॉल्व कर दिया तो सॉल्व करने पर हमने पाया 2.6 × 15 कर दिया, इसके बाद उसमें 0.0821 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 3.019 atm, ये इस विलयन का पराश्रम दाब हो गया। इसको एक बार और समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है, समझे जरा। 27 °C है ये टेम्परेचर हो गया, BaCl2 एक इलेक्ट्रोलाइट है, डेसी नॉर्मल विलयन है बात हो रही है, तो n/10 हो गया, डेसी नॉर्मल का मतलब होता है n/10, विलयन की विलयन की मात्रा 80% है, तो अल्फा लिखा हुआ 80%, अल्फा का मतलब हो जाएगा 0.8, इसका पराश्रम दाब ज्ञात कीजिए, ठीक है। नॉर्मलिटी n दी गई थी, इस n को हमने बदल रहा है, इस नॉर्मलिटी को हमने इक्वेशन लगा करके इसको मोलरिटी में कन्वर्ट कर लिया है, ये मोलरिटी आ गई। अब देखते हैं अल्फा का मान 80% दिया हुआ है, इसको हमने 0.8 किया, क्योंकि 80% का मतलब 0.8 होता है, 90% का मतलब 0.9 होता है, ये इसके मान हो गए अल्फा, ठीक है। अब हमने BaCl2 एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको डिस्कस किया, इसके बारे में विचार किया, तो BaCl2 बेरियम डबल प्लस 2Cl- ये बनेगा। अब इसके एक बेरियम क्लोराइड के आयनाइजेशन से 3 आयन जनरेट हो रहे हैं, एक बेरियम डबल प्लस और 2 क्लोराइड आयन, टोटल 3 आयन मिल रहे हैं, तो यहां एन की वैल्यू 3 हो गई। ये एन क्या है, वान हाफ गुणांक का चरम मान है, ठीक है। अल्फा निकालना है, वियोजन की मात्रा हमें पता है, हम वान का गुणांक आई का मान फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे तो अल्फा बराबर i-1 n-1, आई वान का फैक्टर है, एन वान का फैक्टर का चरम मान, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो आई का मान कैलकुलेट करने के बाद हमने पाया कि आई का मान 2.6 आता है। इसके बाद
पराशर दाब की कैलकुलेशन करते हैं, पी बराबर सी एस टी, ये फॉर्मूला होता है। चूंकि इलेक्ट्रोलाइट है, अब सामान्य अनुसंग गुणधर्म की कैलकुलेशन हो रही है, वान का गुणन आई का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पी बराबर सी की वैल्यू 1/20 आ गई थी। यहां सी का मतलब मोलरता है, नॉर्मलता नहीं, मोलरता, सी का मतलब मोलरता। तो 1/20 गुणा एस का मान 0.0821 इंजू टेम्परेचर 300 केल्विन हो गया था, 27 डिग्री सी में 273 जोड़ने पर 300 केल्विन हो गया था, वो रख दिया। वान था गुणांक, आई की वैल्यू हम लोग पहले फाइंड आउट कर चुके थे, वो यहां पर रख देंगे, पराशरण दाब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर ये आ जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई करके पराशरण दाब, इस विलयन का पराशरण दाब 3.2019 एटीएम हो जाएगा, ये इस विलयन का पराशरण दाब। अगले प्रश्न पे हम जाते हैं।